हेलो दोस्तों, आज आपको ये छोटा सा वीडियो के अंदर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये जो लोकल किट ये टीवी के अंदर है, ये मेडल कंपनी का जो लेखा टीवी है, इसका प्रॉब्लम देखिए, सप्लाई देने के बाद ये जो पिक्चर ये तीनों डिवाइड हो गया, ऊपर लंबा हो गया, नीचे छोटा हो गया और मिडिल में ये तीनों दाग शो हो रहा है। तो इसी तरह इसका प्रॉब्लम है सप्लाई देने के बाद, और उसका बाद मैं वीडियो इनपुट करने के बाद भी आपको देखूंगा ये प्रॉब्लम किस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो लाइन देख के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो सिग्नल इनपुट करने के बाद देखिए, इसी तरह कैमरा के अंदर अच्छे से नहीं शो हो रहा है, बट आप खुद ही देख सकते हो बीच में लाइनिंग है, ऊपर ये लंबा हो गया, नीचे गैप है। तो चलिए बैक कवर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसका बैक कवर मैं ओपन किया, ये 17 इंची मॉनिटर ट्यूब के अंदर, ये जो मार्केट का लोकल चाइना पीसीबी जो कहा जाता है, तो लोकल ब्रांड का टीवी किट है, ये कनेक्शन है। तो इसका वायरिंग ओपन करने के बाद आपको देखूंगा, तब आपको सही से मैं दिखा पाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम कौन पोजिशन से हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों, ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, पिक्चर का ऊपर से नीचे कुछ भी दिक्कत आएगा तो, ठीक है, लाइनिंग आएगा तो छोटा हो जाएगा, तो ये सब वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। बट दोस्तों, अधिकतर ये कैपेसिटर का फॉल्ट होता है। तो चलिए पीसीबी को अच्छा करके देखना पड़ेगा, कुछ भी टूटा फूटा कैपेसिटर तो देखने को मिलेगा कि नहीं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर नज़र में आ रहा है। तो दोस्तों, ये वर्टिकल आईसी है, और वर्टिकल आईसी पिन का साथ जितना कंपोनेंट कनेक्शन है वो सब वर्टिकल सेक्शन का पार्ट्स है। और ये जो कैपेसिटर देखिए, सप्लाई लाइन, सॉरी, ये सप्लाई नहीं है, ये आउटपुट का कैपेसिटर है, ये फुल चुका है। इसका ऊपर पोजिशन आप अच्छा करके देख सकते हो, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो फुला नज़र में आ गया, ये 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का 35 वोल्ट भी कैपेसिटर यहाँ पर हो सकता है। तो अधिकतर ये कैपेसिटर प्रॉब्लम भी इसी तरह प्रॉब्लम देखा जाता है, पर दोस्तों ये फुला नज़र में आ गया, तो फर्स्ट वो कैपेसिटर को मैं चेंज करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, आपका सामने में ये कैपेसिटर को ओपन किया, ये कैपेसिटर ओपन किया और आपका सामने ये कैपेसिटर को लगाऊंगा। देखिए, वर्टिकल का जो आउटपुट ये कॉइल का कनेक्टिंग पॉइंट है, ये लाइन का साथ ये कैपेसिटर कनेक्शन है। ठीक है, तो अधिकतर ये कैपेसिटर से ही फॉल्ट होता है। तो दोस्तों, मेरा पास ये 1000 माइक्रोफैराड का 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, यहाँ पर लगा के आपको सप्लाई देके देखूंगा। तो दोस्तों, हो सकता है ये कैपेसिटर फुला में पीसीबी का अंदर नज़र में ये आ रहा है, हो सकता है फुला हुआ भी नहीं, हो सकता है इसका इंटरनल फंक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए आपको ये जो कैपेसिटर है टारगेट करके या 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। दोस्तों, इसीलिए आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली कनेक्शन करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि यह कनेक्शन करने के बाद इसका जो वायरिंग में ओपन करके रखा हूँ, ये एसी कॉर्ड है। ठीक है, उसका बाद आपको स्पीकर देख के स्पीकर का वायर, पैनल देख के पैनल का वायर और सेंसर का वायर, ये सब कनेक्शन मैं पूरा फिटिंग्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस का साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लगाने के बाद प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। और ये डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट, ये भी कनेक्शन करके मैं पूरा फिटिंग्स कर देता हूँ, करने के बाद आपको सप्लाई देके देखूँगा। तो दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम को और कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपका सामने ही सप्लाई देके देखूँगा, ठीक है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो के अंदर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है, मैं सप्लाई दे देता हूँ। और आप स्क्रीन पर देखिए कि लाइट, पहले जो लाइनिंग था और पिक्चर ऊपर साइड बड़ा था, देखिए स्क्रीन अभी फुल हो गया, कुछ भी लाइनिंग नहीं है, और कैमरा का वजह इसी तरह से हो रहा है। ठीक है, बट ये स्टिल लाइट है, कुछ भी अप डाउन नहीं है, कैमरा का वजह इस तरह दिखता है। चलिए मैं ऑडियो और वीडियो कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार पिक्चर देखे भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको घुमा के भी अच्छा करके एक बार देखूँगा। ठीक है, अब लास्ट तक वेट कीजिए, वीडियो नहीं आ रहा है, हो सकता है एक और उल्टा हो गया। तो अरे, वीडियो फिर भी मैं घुमा दिया, देखिए दोस्तों बिल्कुल पिक्चर होके आ गया। चलिए मैं आपको सामने से एक बार दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं सामने से दोबारा टीवी पर सप्लाई दे दिया। इसका फर्स्ट आपको जो दिखाऊंगा कि इसका वीडियो सप्लाई मैं ऑफ करके रखा हूँ, इसका जो मेन ब्लू स्क्रीन है, देखिए बिल्कुल ओके आ गया, पूरा हाइट एडजस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद चलिए मैं सेटअप बॉक्स का अंदर मैं लाइन देख के आपको देखूँगा। ठीक है,
ये वीडियो टू पावर कनेक्शन है, इसलिए मैं सेटअप बॉक्स लाइन देने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसका पिक्चर का जो हाइट प्रॉब्लम और ऊपर बड़ा हो गया था, ये दोस्तों बिल्कुल ऊपर आ रहा है कि नहीं देखिए। दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो चैनल को